नमस्कार दोस्तों, हेलो सलाम सत श्री अकाल, स्वागत है आपको शो में भारत एक मौज, जिसका नाम है बहुत दिनों के बाद आ रहा हूं, उसके लिए माफी चाहता हूं। यूपी में जो इंडिया का पॉलिटिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट है, इलेक्शन की सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी है, आज तो वोटिंग भी हुई है, और उन सरगर्मियों के बीच में मैं लेके आ चुका हूं आपके पास जो आसपास की भारत की आजकल की जो मौजें हैं, जो देखने सुनने में हम सबको मिलती रहती है निरंतर, जो मुझे मेरे को सुनने को मिली और उम्मीद करता हूं आपने भी सुनी होंगी, उन पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। आइए देखते हैं इस बार का भारत एक मौज। और दोस्तों, देश में माहौल इस तरीके का बना हुआ है कि बेवकूफियों की सीमाएं पार हो जाती है। हर बार जब भी हम सोचते हैं कि भाई इससे बड़ी बेवकूफी की बात कोई और हो नहीं सकती है, ऐसा लगता है लोगों ने ठान के रखी हुई है कि हर बार उस कीर्तिमान को और आगे लेके जाना है, पिछला रिकॉर्ड तोड़ देना है बेवकूफी का। और इस बेवकूफी के लाग लपेटे में पिछले कुछ टाइम से शाहरुख खान चल रहे हैं। एक बात, उनके बेटे को लपेट लिया गया, जिसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, वो मामला आपको सारा का सारा पता ही होगा। लेकिन अभी पिछले दिनों क्या हुआ, लता मंगेशकर जी का निधन हुआ और उनके अंतिम संस्कार के वक्त शाहरुख खान ने दुआ पढ़ी और उसके बाद फूंक मारी और बेवकूफी की इंतहा देखी कि कुछ लोगों ने ट्वीट कर डाला ये लिख के कि क्या ये थूक रहा है। या इसमें दो चीजें हो सकती हैं कि या तो ये खुद महाबेवकूफ है या फिर ये हमें बेवकूफ समझते हैं, क्योंकि अगर शाहरुख खान जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, जिसको ये मालूम है कि उस पर पैनी नजर कैमराज की हर वक्त रहती है, वो ऐसे मौके पे आके इस तरह की हरकत जानबूझ के तो करेगा नहीं। दूसरी बात, इससे ये भी पता चलता है कि आपको दुआ के रिचुअल के बारे में कोई भी जानकारी है ही नहीं और आपने अपनी बेवकूफाना हरकत और अपनी नॉलेज का मुजाहरा ट्विटर पे कर दिया। तो या तो असलियत ये है कि आप महामूर्ख हैं या फिर आप हमें महामूर्ख समझ रहे हैं कि आप इस तरह से कंट्रोवर्सी बना देंगे और पब्लिक जो है ना इसी लाग लपेट में लग जाएगी। मेरे भाई जिन्होंने ये ट्वीट किया था, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, जब आप बर्थडे केक काटते हो अपने बच्चे का या अपने का, तो उसकी मोमबत्ती पे फूंक मारते हो या थूकते हो? अगर आप थूकते हो तो मैं समझ सकता हूं कि भाई हाँ, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, जब मैं थूकता हूं तो हो सकता है शाहरुख खान भी थूक ही रहा हो, है? लेकिन अगर आप फूंक मारते हो तो ये आपके दिमाग में खुराफात कहां से आई कि शाहरुख खान ने जो दुआ पढ़ के बुरी इविल स्पिरिट्स को दूर करने के लिए फूंक मारी, वो आपको थूक कैसे दिख गया? फा था, फूंक में फा होता है, था में थूक में था होता है, ठीक है? और फूंक और थूक में आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, दो अलहदा चीजें हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोगों को शिकायत रहती है कि सवालों के जवाब नहीं देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, जब भी बोलते हैं ऐसी बात बोल के चले जाते हैं कि बरसों उनके ऊपर मीम बनते रहते हैं, बरसों लोग चर्चा करते रहते हैं, पर्सनैलिटी हो तो ऐसी हो कि बंदा जब मुंह खोले तो दुनिया याद रखे और सोचे कि ये क्या बोल गया यार ये आदमी। और इसमें महारत हासिल करी हुई है मोदी जी ने। अभी पार्लियामेंट में पिछले दिनों बजट सेशन के बाद जो उनकी स्पीच थी, उन्होंने वही गाना गाना शुरू कर दिया, जो गाना मतलब कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिनको आप जितनी बार भी सुनो आपको हर बार उतना ही आनंद आता है उस गाने को सुनने में। मोदी जी भी एक ऐसा गाना गाते हैं जो जिसमें शायद उनको आनंद आता है, बाकी जनता का मुझे पता नहीं है कि उनको आनंद आता है या नहीं आता है। उनको आनंद आता है कि हर डिस्कशन में, हर डिबेट में नेहरू को इन्वोक कर देना और कांग्रेस को गालियां बकना। उन्होंने नाना प्रकार के बहाने ढूंढ लिए कि किसी तरीके से सवाल जवाब में लाग लपेट करके कांग्रेस को घुसा दें, नेहरू की गलती निकाल दें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर उन्होंने बोला कि कांग्रेस ने जो पेंडेमिक के टाइम में जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको टिकट दे के या खाना वाना दे के उनको उनके घर भेजा ताकि हमारी देश के कोने कोने में फैल जाए। भाई मैंने दुनिया में महा महा एक्सक्यूज वाले बंदे देखे हैं जो अपनी गलतियों को मतलब छुपाने के लिए, अपना बचाव करने के लिए किसी में भी इल्जाम मार देंगे। गांव में होते हैं कुछ इस तरीके के लोग, जैसे एक कहावत भी बनी है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ठीक है ना, कोई चोर रंगे हाथों भी पकड़ा जाता है तो भी वो साफ साफ मुकर जाता है कि मैंने करा ही नहीं है। और एक महान रैप सिंगर शैगी का तो गाना भी है कि जब आप रंगे हाथ पकड़े जाओ तो बोलो इट वॉजन मी। और यहां पे मोदी जी कह रहे हैं इट वॉज मी, इट वॉज नेहरू एंड कांग्रेस। वो ये बोल रहे हैं कि भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इनकी जिम्मेदारी थी कि इन्होंने हेल्प कैसे कर दी और कोरोना दूर दूर तक फैला दिया। अब इसका विश्लेषण आप घर में बैठ के अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में करते रहे, इसका मतलब क्या है? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है
मोदी जी इतने साल से देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वो कभी बोल देते हैं कि गोवा तो 15 दिन में आजाद हो जाता, नेहरू की वजह से इतना टाइम लग गया। कभी बोलते हैं कोरियन वॉर की वजह से नेहरू ने इन्फ्लेशन बढ़ा दिया था, जिसका आज की डेट में कोई लेना देना ही नहीं है। भाई मोदी किसी चीज की तो जिम्मेदारी लो, कोई एक चीज तो बता दो। जब आप इतने बड़े ताज पे बैठे हुए हो तो कोई जिम्मेदारी तो आपको लेनी चाहिए ना। ये जिम्मेदारी ले लो कि पेट्रोल के दाम मेरी वजह से बढ़ गए हैं, ये जिम्मेदारी ले लो जीडीपी मेरी वजह से गिर गया है, ये जिम्मेदारी ले लो बेरोजगारी मेरी तरफ से बढ़ गई है, ये ले लो, कितने सारे ऑप्शन है। ये ले लो कि चाइना मेरी वजह से तेवर दिखा रहा है, ये ले लो कि पीएन एक लड़के को उठा के लेगी उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। कुछ तो जिम्मेदारी लो यार, कम से कम इतनी जिम्मेदारी ले लो। एक काम तो आपने किया है तो आप भी मानोगे कि आपने देश को इतने सारे कोट अनकोट ईमानदार पत्रकार दे दिए हैं जो डेली सुबह से लेकर शाम तक आपका गुणगान करते नहीं थकते हैं। देश के जर्नलिज्म का आपने पूरा ढांचा ही बदल दिया। इन पत्रकारों का क्रेडिट तो आप ले लो, कम से कम मोदी जी इतना तो ले लो। दोस्तों ये देश में कैरेक्टर्स भरे पड़े हैं, एक से बढ़के का आपको बोर कभी भी नहीं होने देंगे। आप जब लगता है, जब आपको लगे कि डिप्रेशन हो रहा है, जिंदगी में सोनापन आ गया, कोई मनोरंजन नहीं है, उदासीनता भरी हुई है, एक ना एक कैरेक्टर इस देश का निकल के आएगा और आपको ऐसा मसाला देके चला जाएगा कि आपके कुछ दिन बड़े आराम से ऐसे मजाक में कटते रहेंगे। ऐसे ही कैरेक्टर का नाम है अन्ना हजारे। अन्ना हजारे साहब को ना गांधी लाइट बनने का बहुत शौक है। वो बात बात पे भूख हड़ताल की धमकी देते हैं, ये कर दो नहीं तो मैं भूखा बैठ जाऊंगा, ये कर दो नहीं तो मैं भूखा बैठ जाऊंगा, ये कर दो नहीं तो मैं भूखा बैठ जाऊंगा। भाई बुजुर्ग आदमी है, अगर वो भूखे बैठेंगे तो भैया हमें कितनी शर्मिंदगी होगी, हमारे संस्कार जो है इसकी इजाजत नहीं देते हैं। अब उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुपर मार्केट्स में वाइन वाइन बेचनी शुरू कर दी है। इस फैसले के खिलाफ जो है ये 14 फरवरी जो कि वैलेंटाइंस डे है उस 14 फरवरी को ये भूख हड़ताल पे बैठेंगे। देखो ये तो इमोशनल ब्लैकमेल हो गया यार। 14 फरवरी एक तो बहुत सारे लोगों के लिए वैसे ही इतना मनहूस दिन होता है कि कुछ तो खाली घूम रहे होते हैं, कुछ को गलती से अगर कोई मिल जाता है या मिल जाती है तो उसको बजरंग दल नहीं घूमने देता है। उसके बाद आपने ये वाइन पे भी भूख हड़ताल करनी शुरू कर दी। भाई हजारे साहब ये आप बताओ ना, हम बोले तो बोले क्या और करें तो करें क्या। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस शुरू हो गए हैं और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ बाकी लीडर्स की तरह बयान दे रहे हैं, इलेक्शन रैलीज में बोल रहे हैं, सब लीडर्स को बोलने का हक है, लेकिन योगी जी की जो लीला है ना वो थोड़ी निराली है। जाहिर सी बात है क्योंकि वो योगी है, वाक्पटुता में चपल भी है, तो वो इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको लोग बड़ी आसानी से गलत समझ रहे हैं। उन्होंने बोला कि भाई वो मैं कुछ इस तरह का बयान दिया था कि 10 मार्च के बाद मैं सारी गर्मी निकाल दूंगा एक पर्टिकुलर इलाके की और गर्मियों में यहाँ शिमला बना दूंगा, और लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया कि ये कोई भाषा की बात करने की, कोई चीफ मिनिस्टर को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। भाई वो योगी हैं, आप लोग उनको गलत समझ जाते हैं, आप एक बार समझे। उनका जो बयान था उसके पीछे का जो उनका मर्म है, जो उसके पीछे का उनका लॉजिक है वो समझे। वो गर्मी इसलिए खत्म करने की बात कर रहे हैं क्योंकि यूपी में आप लोग जानते हैं सब लोग पावर कट से परेशान है, बिजली नहीं आती है। अब सोचो गर्मियों में बिजली नहीं आएगी तो गर्मी बढ़ेगी ना, तो जब वो कह रहे हैं कि हम गर्मी में से गर्मी हटा देंगे, हम जो है वहां पे शिमला बना देंगे, उनके कहने का तात्पर्य ये है कि इतनी बिजली आएगी यूपी में गर्मी के अंदर, इतनी बिजली आएगी कि आपके पंखे कूलर एसी जिन जिन के पास भी है वो माहौल को बिल्कुल शिमला जैसा कर देंगे। और आप लोग हैं कि बार बार उनकी ट्रोलिंग करे जा रहे हैं कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। थोड़ा संतोष रखो, थोड़ा धैर्य से सोचो उन्होंने बोला क्या है। हाँ लेकिन अब भाई एक जमाने में तो मैं भी डिफेंड नहीं कर सकता, ये भी मैं मानता हूँ कि भाई उन्होंने अभी अभी बयान दिया है कि अगर के यूपी में बीजेपी नहीं जीती तो यूपी केरला बंगाल और कश्मीर जैसा हो जाएगा। भाई केरला जैसा हो जाए तो यूपी वाले चाहेंगे यार। इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। आपका वोट मेरे 5 वर्ष की तपस्या पर आपका आशीर्वाद तो है ही, पर यह भी ध्यान रहे यह वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बनेगा। अगर उन्होंने उनकी बात मान ली कि लिटरेसी, सोशल ऑर्डर और जो जो चीजें केरला में अच्छी हैं वो सब यूपी में हो जाए और यूपी वालों को ये पता चल जाए कि बीजेपी को हराने से हम वैसे बन जाएंगे, तो योगी जी थोड़ा अपने खिलाफ ही बोल गए, बीजेपी के खिलाफ बोल गए। क्योंकि केरला बन जाए अगर यूपी तो क्या बात है।
यार ये हिंदुस्तान में एक नई बीमारी शुरू हो गई है कि बॉयकॉट दिस बॉयकॉट दैट। कितने सारे प्रोडक्ट पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने ट्विटर पे ट्रेंड चलाए कि इसको बॉयकॉट करो, इसको बॉयकॉट करो, क्योंकि दुनिया में कहीं में किसी ने कुछ बोला उससे हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए और हमारे नेशन की आलोचना हो गई और इसलिए हम उन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे। इससे क्या असर पड़ता है इसका कोई डेटा अभी तक है नहीं कि उन कंपनीज के घुटने टिक गए क्या, वो हाथ जोड़ के हमारे पास वापस आ गए कि प्लीज आपके हाथ जोड़ते हैं हमारा बॉयकॉट बंद कर दो। आपने देखा होगा कि जब चाइना ने बदतमीजी करी थी बॉर्डर के ऊपर तो लोगों ने अपनी चाइनीज टीवी अपने पैसे के खरीदे हुए अपनी मेहनत की कमाई के खरीदे हुए चाइनीज टीवी बालकनी से नीचे फेंक के तोड़े थे कि हम चाइनीज टीवी तोड़ रहे हैं। अब उससे चाइनीज फर्म पे क्या फर्क पड़ा, क्या उन्होंने माफी मांगी, क्या उन्होंने घुटने टेके, क्या उनके जितने एम्प्लॉइज थे उनको ले ऑफ करना पड़ा, क्या उनके घर के चूल्हे जले या नहीं जले, और चाइना के इकोनॉमिक बेली में इतनी जोर से चोट लगी या नहीं लगी कि उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि अगर हिंदुस्तानियों ने ये ट्विटर ट्रेंड चला दिया कि बॉयकॉट कर दो हमारा प्रोडक्ट, ये फलानी कंपनी का प्रोडक्ट, तो उनको बहुत नुकसान होगा, ये गलती वो दोबारा ना करें, ऐसा उनको सबक मिला या नहीं मिला। अब ये हुंडई का नया उचोचला हो गया है कि पाकिस्तान में किसी ने ट्वीट कर दिया कश्मीर को लेके, तो अब यहां पे लोग बोल रहे हैं मैंने हुंडई की बुकिंग कैंसिल करा दी, जिसके पास हुंडई वो गाड़ी मुझे पोस्ट ला के लिख रहा है चल रहा है कि मैं शर्मिंदा हूं इस हुंडई कार को चलाने के लिए, तो भाई मत चला, शर्मिंदा होकर सड़कों में क्यों घूम रहा है। मैं तो उस दिन का वेट कर रहा हूँ यार कोई लोग अपने गाड़ियों को लाठियों से ना मारने लग जाए, उसको आग ना लगाने लग जाए कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं हुंडई को और इसको तोड़ रहे हैं फोड़ रहे हैं। सोचो कोई एलियन अगर ऊपर से किसी प्लेन में जा रहा हो और देख रहा हो हिंदुस्तान के ऊपर से निकल के यहाँ पे लोग अपनी गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, ठोक रहे अपनी मेहनत की कमाई को, ये कह के हम हुंडई को बॉयकॉट कर रहे हैं क्योंकि हुंडई ने हमारे देश की बेइज्जती करी है, कैसा लगेगा उसको। वो सोचेगा दुनिया भर में कहीं पर इन्वेट करने की जरूरत नहीं, ये प्लेनेट पागल है, निकल लो यहाँ से। दोस्तों पिछले कुछ 7 सालों से इस देश में जद्दोजहद चल रही है कि अच्छे दिन हैं क्या है, फाइनली कब आएंगे। कुछ लोगों का कहना है कभी नहीं आएंगे, कुछ लोगों का कहना है कि आ गए हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं दूर पे खड़ा हुआ है हम जाके वहां जाके मिल लेते हैं उससे अच्छे दिन के साथ हमारा किसी तरीके से मिलन हो जाए तो ये सवाल हमेशा के लिए ठंडा हो जाए, ठंडे बस्ते में चल जाए कि भाई अच्छे दिन आ गए हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आपके मन के अंदर बिगटरी भरी पड़ी है, आपके आपके अंदर हेट्रेड है, आपने अपने एजुकेशन की धज्जियां उड़ाई हुई हैं, अगर आपको हर स्टूडेंट के अंदर एक एंटी नेशनल दिखाई देता है, प्रोटेस्ट आपको एंटी नेशनल लगता है, आपको फार्मर्स के अंदर टेररिस्ट दिखाई देते हैं, आपको यूनिवर्सिटीज में अर्बन नक्सल दिखाई देते हैं, इस तरह के वर्ड्स को इस्तेमाल करना बहुत पसंद करते हैं, आपको एक पर्टिकुलर किस्म की पार्टी की बातें ही ज्यादा पसंद आती है, राइट विंग की जो रिडक्शनिस्ट पॉलिटिक्स है वो आपके अंदर बड़ा हिलोरे लेती है और आप बार बार उसकी ट्वीट मार देते हैं और नफरत फैलाते हैं, तो आपके अच्छे दिन डेफिनेटली आ चुके हैं। जैसे कि एग्जांपल है जेएनयू की नई वीसी शांति श्री धुलिपड़ी पंडित, इनके अच्छे दिन आ गए हैं और जब इनकी पोल खुली इनके पिछले ट्वीट से तो इन्होंने बड़े शानदार कार्ड्स खेले, ये एकदम से जो है ये कहने लग गए कि पहले तो इन्होंने कहा कि मेरा तो ट्विटर अकाउंट कभी था ही नहीं, ठीक है, फिर कहा कि मेरा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। तो मेरे भाइयों बड़े बड़े चमत्कारों का ये देश है, यहाँ पे नाना प्रकार की चीजें होती रहती हैं, यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो वेस्टर्न साइंस ने अभी तक उनको पता ही कुछ नहीं है। लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ कि जो ट्विटर अकाउंट है ही नहीं था ही नहीं कभी, वो हैक कैसे हो गया, कैसे हैक हो सकता है वो। फिर उन्होंने कहा कि जेएनयू के ही अंदरूनी लोगों का ये काम है कि जिन्हें ये पसंद नहीं था कि मैं यहाँ की वीसी बनी हूँ, जिन्होंने ये पसंद नहीं था उन्होंने ये काम किया है। तो मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि ये इतने सालों से जो आपका ट्विटर अकाउंट सो कॉल्ड आपका ट्विटर अकाउंट चल रहा था, जेएनयू के लोग इसमें मिले हुए थे, उन्हें पहले से ही कैसे पता कि आप वीसी बनने वाली हैं। फिर बाद में जाके इन्होंने ये पत्ता भी खेल दिया क्योंकि मैं आई एम द फर्स्ट वुमेन वीसी, तो लेफ्ट ने कभी ग्लास सीलिंग ब्रेक नहीं करी, मैंने ग्लास सीलिंग ब्रेक करी है। यही तो लिबरलिज्म इसलिए होना बहुत जरूरी है कि कभी भी इस पे रिफ्यूज ले लो जाके, कभी भी आप सडनली लिबरल बन जाओ और अपना ये वाला कार्ड प्ले कर दो कि मैंने ग्लास सीलिंग जो है ब्रेक कर दी है। और अब जो है पिछले ट्विटर अकाउंट को बहुत सारे लोगों ने ये उसकी टेस्टिमनी भी दी है कि हाँ भाई तो अच्छा अकाउंट है, बहुत सारे प्रोफेसर ने उस अकाउंट को रिस्पॉन्ड किया है। उस अकाउंट को अगर आप जाके देखें तो जेएनयू क्या यार, वो किसी सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल बनने लायक वो अकाउंट नहीं है कि उनको वो काम दिया जाए। लेकिन बहरहाल अभी मैं ये मानता हूं वो कह रही को अकाउंट था नहीं, लेकिन फिर भी वो हैक हो गया, अभी के लिए यही सच मान लेते हैं। लेकिन एक सच इसके बाद और है जो मैं कहना चाहता हूं, वो ये है कि जेएनयू सावधान, अब जेएनयू तेरे टुकड़े होंगे, अब इसके बाद जो भी बोलना है आप। तो दोस्तों ये था इस बार का भारत एक मौज,
और ये ऐसी मौजें हैं जो आपके आसपास आपके चारों तरफ होती रहती हैं, चाहे आपके घर के बाहर, आपके मोहल्ले में, आपकी बिल्डिंग में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके सोशल मीडिया में। कोई अनोखी बात लेके मैं नहीं आ रहा हूँ, ये सब चीजें आप देख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी एक अपना टेक ला के एक डिस्कशन करना मजेदार रहता है। अपनी आंख कान खुले रखिए, देखते रहिए, आपके चारों तरफ इस तरह की मौजों की भरमार है, और जो मौज आपसे मिस हो जाएंगी और जो आपने देख भी ली होंगी उनको लेके हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है भारत एक मौज। जनता ऊंच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज ना आए बंदर बाट के झोल, संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल, ज्ञान में खोट ना आए भारत एक मौज। रे पीटी उसा पीछे छोड़े मलिया मोदी मेल, चौकीदार जो दिन में सो गया बन गए देश की रेल। अरे चटनी एक ऐसी भैया स्वाद सभी सभी रोल, मजे में फिर भी ले चटकारे भारत एक मौज। अरे चढ़ी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस, महाभारत के काल में हो गई इंटरनेट की खोज, पहलू का सिमर अकबर मांगे जान के भिक्षा रोज, अरे काठ के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौज। अरे मन की बात करे अरे संडे बिना किसी के रोक, आम नागरिक कुछ भी बोले लो आ गई जन कीड़ों की फौज। अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टैक्स पेयर पे बोझ, पर कावड़ियों पे फूल की चादर भारत एक मौज। अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे